निगम मुख्यालय में मकान भूमि टैक्स जैसे कार्यों के लिए आने वाले नागरिकों को एक ही स्थान पर जानकारी उपलब्ध हो सकेगी, जिसके लिए सहायता केंद्र बनाया गया, जहां शासन की जन कल्याणकारी योजना तथा आवेदन की जानकारी दी जाएगी। नागरिकों की सुविधा के लिए निगम मुख्यालय भिलाई में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। हेल्प डेस्क के माध्यम से निगम के विभिन्न कार्यों के लिए आने वाले नागरिकों को अपने कार्य के लिए अब विभागों में भटकना नहीं पड़ेगा। सभी तरह के कार्य की जानकारी इस एकल खिड़की से मिल जाएगी। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास के मार्गदर्शन में शुरू किए गए हेल्प डेस्क में नागरिक अपने आवेदन जमा कर आवेदन की स्थिति के बारे में अवगत हो सकेंगे। हेल्प डेस्क में बैठे कर्मचारी राशन कार्ड, संपत्ति कर, आवास रजिस्ट्रेशन, जन्म मृत्यु लाइसेंस, नवीनीकरण, पेंशन, आधार कार्ड जैसे नागरिक सुविधाओं के संबंध में निगम के विभिन्न विभागों में किए जाने वाले कार्य की पूरी जानकारी भी नागरिकों को उपलब्ध कराएंगे। हेल्प डेस्क के संबंध में भिलाई नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने जानकारी दी। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा भिलाई क्षेत्र के नागरिकों की सुविधा के लिए एक ही स्थान पर सारी जानकारियां नगर निगम से संबंधित मिल जाए, इस सुविधा के लिए एक हेल्प डेस्क सहायता केंद्र की स्थापना किया गया है, जिसके माध्यम से नगर निगम में होने वाले सभी नागरिक सुविधाओं के कार्य की जानकारी एक ही विंडो पे एकल खिड़की पद्धति से उनके प्रदान किया जाएगा और उनके कार्य में क्या प्रगति की जा रही है इसकी भी जानकारी नागरिकों को मिल जाएगा। इसमें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है, जमीन का हस्तांतरण नामांतरण है, रजिस्ट्री है और भी मोर मकान मोर आवास आदि जितने भी सरकारी योजनाएं हैं सारी की जानकारी और निगम द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं की जानकारी नागरिकों को मिल जाएगी। गौरतलब है कि अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी एवं प्रोग्रामर दीप्ति साहू की उपस्थिति में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने विभाग में किए जा रहे कार्यों की प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर हेल्प डेस्क में बैठने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जहां नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी विभागों की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे।